उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरी बच चुकी है। सत्तारूढ़ दल भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल यूकेडी ने आज अपने 14 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यूकेडी 2022 में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने जा रही है, इन्हीं सब बातों को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला ने। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी जी। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कितना उत्साह जो प्रत्याशी हैं उसमें भी लग रहा है? प्रत्याशियों में भी उत्साह है और जहां पर कुछ हमारे पैनल का अभी पूरा हमने फैसला नहीं किया, देखो ये थोड़ा वो असंतोष भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कई जगह पर हमारे प्रत्याशियों में आपस में कंपटीशन है और अपना अपना दावा कर रहे हैं, तो ये सब तो राजनीतिक उसमें चलता है। आज हमने 14 प्रत्याशी की घोषणा की है और जल्दी ही हम 22-23 तक जो अन्य जगह हैं जहां थोड़ा विवाद है, कंट्रोवर्सी है, उस पर भी हम फैसला कर लेंगे और आने वाले समय में कुछ जो हमारे क्षेत्रीय ताकतें हैं उनके सहयोग के लिए भी उनसे सीट शेयरिंग की बात भी हम लोग सोच रहे हैं, वो भी करके मैं समझता हूँ 22-23 तक सारी स्थिति क्लियर स्पष्ट हो जाएगी। सर, राजधानी के मुद्दे को लेकर लगातार यूकेडी सवाल उठाती रही है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि राजधानी जो अस्थाई राजधानी की बात अभी तक नहीं हो पाई है? देखो, भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रपंच कर रहे हैं इस मामले में। केंद्र सरकार ने राज्य बनने के दिन 9 नवंबर 2000 को एक जीओ जारी किया था कि अस्थाई तौर पर टेम्परेरी तौर पर देहरादून में राजधानी का कार्य होगा और चुनी हुई विधानसभा परमानेंट कैपिटल स्थाई राजधानी का निर्णय करेगी। 4 विधानसभाएं चली गई हैं, ये 4थी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस इनमें रही है, लेकिन एक बार भी इन्होंने वो केंद्र सरकार के उस शासनादेश के अनुसार कोई भी प्रस्ताव ये लोग लाए नहीं और न उस पर बहस हुई, न वो पारित हुआ। इसलिए इन दोनों पार्टियों का उत्तराखंड में केवल सत्ता को संभालने का और लूट खसोट का इरादा है, जनता की बुनियादी मांगे। सबसे बड़ी बात ये है कि 21 साल बाद भी आपने अपने एक राजधानी का निर्णय नहीं किया है, तो इससे बड़ी दुख की बात विडम्बना कुछ नहीं हो सकती है। रहा सवाल उत्तराखंड क्रांति दल का, तो उत्तराखंड क्रांति दल गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कृत संकल्प है और हम उसको राजधानी बनाकर रहेंगे, ये हमारा दृष्टिकोण है। तो हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम जो मुद्दे हैं हमारे राजधानी को लेकर, और अगर यूकेडी सत्ता में आती है तो हम राजधानी जो है वो गैरसैंण ही बनाएंगे। बीजू रंजित अनूप के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून।